नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन होंगे। टाटा ट्रस्ट ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। टाटा ट्रस्ट ने आज एक अहम बैठक में सर्वसम्मति से नोएल टाटा को उत्तराधिकारी चुना है। तो नोएल टाटा के हाथ में अब टाटा ट्रस्ट की कमान होगी। सर्वसम्मति से नोएल टाटा को अध्यक्ष चुना गया है और टाटा ट्रस्ट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सौरभ पांडे हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। सौरभ, क्या नोएल टाटा के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी गई है? मीटिंग में क्या बात हुई? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है सर रतन टाटा के निधन के बाद जो है सबसे बड़ी अटकलें जो हैं उस पर थी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उसी के बाद जो है आज मुंबई में जो है टाटा ट्रस्ट की बोर्ड की बैठक हुई, जिसके बाद सर्वसम्मति से जो है नोएल टाटा के नाम को जो है पारित कर दिया गया। लेकिन अब से जो है उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर में जो है एक ऑफिशियल रिलीज आएगी, जहाँ पर बताया जाएगा कि नोएल टाटा को जो है सम्मति के साथ जो है ट्रस्ट बोर्ड का जो है चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है, जैसे जो कि टाटा ट्रस्ट है। अगर बात की जाए टाटा ट्रस्ट की, तो टाटा ट्रस्ट में जो है कई सारी चीज़ें आती है, जहाँ पर चेयरमैन पद खाली होने से काफ़ी ज़्यादा जो सेवाएं होती है उन पे जो है देर होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन आज ही जो है बोर्ड ने डिसाइड किया कि आज मीटिंग होगी और मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो थी ये मीटिंग जारी है, और उसके बाद जो है पूरे सर्वसम्मति के साथ नोएल टाटा के नाम को जो है पारित कर दिया गया, और उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ ही देर में जो है ऑफिशियल रिलीज आ जाएगी, जिसमें नोएल टाटा के नाम को देखा जाएगा। ओके, तो एक ऑफिशियल रिलीज के बाद इस पूरी बात पर औपचारिक मुहर लग जाएगी। सौरभ, इस जानकारी के लिए आपका फिलहाल धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ इस वक्त बेहद ही खास शख्सियत है बातचीत करने के लिए, नोएल टाटा की टाटा ट्रस्ट के चेयरपर्सन पद पर नियुक्ति पर बात करने के लिए हमारे साथ है टाटा इंडस्ट्रीज और टाटा पावर के पूर्व इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नौशीर मिर्ज़ा। नौशीर सर, स्वागत करते हैं सर जी बिजनेस पर अपना समय देने के लिए। सर, नोएल टाटा इनके नाम पर हम यही बात बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक मोहर लग गई है, स्टैंप लग गया है नियुक्ति को। सर आप कैसे देखते हैं इस अपॉइंटमेंट को लेकर? स्वाति, ये होगा तो सब जो होना था ये सबसे अच्छी चीज होगी, और मेरा विचार दो एंगल से मैं कह रहा हूँ ये क्यों सबसे अच्छी चीज है। पहली चीज है कि जितने टाटा ग्रुप के स्टेक होल्डर हैं, मिलियंस ऑफ स्टेक होल्डर्स अपने देश में अराउंड द वर्ल्ड, वो लोग टाटा ग्रुप टाटा नेम से एसोसिएट करते हैं। तो इफ द ट्रस्ट का चेयरमैन एक टाटा ही रहा तो ये लोग की एक्सपेक्टेशन यही है। अभी टाटा बिजनेस साइड के जो टाटा सन्स का चेयरमैन की साइड तो ऑलरेडी अभी टाटा नेम नहीं रहा, चंद्रा हैज बिकम, परंतु अपने ट्रस्ट में जो कंट्रोलिंग ग्रुप है उसका तो टाटा नाम रह जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये होगी। दूसरी मेरी वजह है कि टिल 2014 दोनों के ट्रस्ट और सन्स के एक ही चेयरमैन थे। जब से दो चेयरमैन हुए उस वक्त प्रॉब्लम आया, ये साइरस और रतन टाटा के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुई और ग्रुप इतनी तकलीफ में से निकला उस वक्त, तो इसलिए जरूरत है कि अब ये दो सेपरेट व्यक्ति होने से दोनों की रिलेशनशिप मजबूत और अच्छी रहनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों नोएल और चंद्रा के जो स्वभाव है, जो रिलेशनशिप है, वो अच्छी है और ये स्टेबल रहेगी। जो प्रीवियस आरएनटी के साथ भी वैसे ही था, चंद्रा का वैसे ही था, ही लुक्ड एट आरएनटी एक मेंटर तरीके, फादर तरीके देखते थे। नेचुरली नोएल उस पोजीशन पे नहीं है, नोएल मोर एट अ ब्रदर लेवल, मगर दोनों के बीच में मेरे हिसाब से संबंध अच्छा रहेगा और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगी तो फिर जो साइरस के टाइम में हुआ वैसे नहीं चाहते। तो मेरी ये दो कारण हैं ये कहना कि ये अच्छी चीज है। तो अब सर, आप जैसा कह रहे हैं कि टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट दोनों के जो प्रमुख हैं उनका अलग रहना या इक्वेशन साथ में रहना काफी मैटर करता है, क्योंकि हमने पास में भी देखा है किस तरीके की परेशानियां आई है विद इन टाटा ग्रुप। सर, आपको एक अराउंड 16 बरस का टाटा ग्रुप के साथ जुड़ने का पूरा एक लंबा चौड़ा
तजुर्बा है, आप टाटा ग्रुप को काफ़ी अच्छे इंटरनली अच्छे से समझते हैं। जो इतना जल्दी हमने देखा है नाम की नियुक्ति होना नोएल टाटा की, इस पूरे जो नियुक्ति की प्रक्रिया है ये कैसे आगे गोइंग फॉरवर्ड कैसे आगे ले जाएगा इस पूरे ट्रस्ट को? अब ये तो मैं कैसे कह सकूं कि पहले तो मैं इतना बता दूं कि अभी 4-5 साल हो गए, मेरा अभी ग्रुप के साथ तो कोई संबंध नहीं रहा, मैं रिटायर हो गया, तो पहले मैं ये कहता हूं। दूसरा देखिए, ये ग्रुप अब करीब 150 साल पुराना है, तो बहुत इसकी मजबूत जड़ है और जो आता रहा है वो ही रोल फॉरवर्ड होता रहेगा ट्रस्ट्स में। तो मेरे हिसाब से ट्रस्ट्स के वर्किंग में बेसिक कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, जैसे हो रहा था वैसे ही रहेगा। जरूर आजकल सुनते हैं, रिसेंटली कुछ 2-3 साल में मैं सुन रहा था कि ट्रस्ट्स का थोड़ा चेंज इन डायरेक्शन हुआ है, ये सब हो सकता है, वो तो इतने सालों में कई बार चेंज इन डायरेक्शन हुआ होगा, तो कुछ चेंज इन डायरेक्शन हो सकता है। कोई बार हम लोग एक चीज पे एम्फसाइज करते हैं, दूसरी बार कोई भी बिजनेस हो, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, दूसरी चीज पे एम्फोसिस देगा, तो कुछ चेंज ऑफ एम्फोसिस हो सकता है। मगर मुझे नहीं लगता कि नोएल टाटा आने से उस वजह से चेंज इन एम्फोसिस होगा। वो चेंज इन एम्फोसिस हो सकता है क्योंकि इसका डायरेक्शन जरूरी ही है चेंज करने का। तो वो तो अब मैं तो ट्रस्ट में हूँ नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं सकूंगा उन लोग का आज क्या डायरेक्शन है और फ्यूचर में क्या होना चाहिए, कह नहीं सकता। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि एवरीथिंग दुनिया में चेंज होता है, वैसे यहाँ भी कुछ चेंज आ सकता है, और ये तो सब बाकी ट्रस्टियों पे भी डिपेंड करेगा ना। अभी तक क्या था, रतन टाटा जी एक एवेंक्यूलर फिगर थे, ऐसे फिगर थे कि वो कहने से सब लोग सब मान जाते थे। अब उनके यंगर ब्रदर उस नजर से लोग नहीं देखेंगे, तो ज्यादा वहाँ डिस्कशन होगा ग्रुप में, दूसरे ट्रस्टियों के भी विचार लिए जाएंगे और उसमें से इवॉल्व होगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, है ना। तो मेरा ऐसा, मेरी सोच ऐसी है, अब क्या होगा मैं बता नहीं पाता। ओके नौशीर सर, नोएल टाटा के बारे में अगर आप कुछ बता पाए, उनका जो वर्किंग स्टाइल है, क्योंकि वो टाटा ग्रुप से जुड़े तो हुए रहे हैं पहले टाइम से, तो एज अ न्यू ट्रस्ट चीफ उनका जो एक वर्किंग स्टाइल रहा है, जो उनका व्यक्तित्व है, उसको अगर आप थोड़ा डिस्क्राइब कर पाए तो वो कैसा रह सकता है? स्वाति, ये मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि मैं कभी उनकी कोई भी कंपनी में के बोर्ड में नहीं था, या तो जो बोर्ड में मैं था वे नहीं थे। तो मेरा ओनली कभी कभी जब मुलाकात हुई, ऐसे बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत जेंटल, सॉफ्ट, थरा जेंटलमैन, इस तरह आरएनटी और उनमें आई वुड से बोथ वेरी सिमिलर, थरा जेंटलमैन। अब उनकी वर्किंग स्टाइल ये सब तो मुझे कहना मुश्किल है, और ये भी ख्याल में रखना चाहिए कि आज तक वे कोई भी टाटा की जो प्रोमिनेंट कंपनियां हैं, जो आप और मेरे मन में नाम आते हैं टाटा बोलने से, उन कोई भी कंपनी में वे लीडर नहीं रहे, वो थोड़े, मगर जो बिजनेस उन्होंने देखे हैं ऑल हैव बीन सक्सेसफुल। जो रिटेल पूरा थ्रस्ट टाटा ग्रुप का था रिटेल बिजनेस साइड में, बहुत सक्सेसफुल रहा है, और वो रिटेल बिजनेस बहुत डिफिकल्ट है। मैंने 10 साल तक चेयर किया है एक रिटेल ग्रुप का, बिजनेस आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, उन्होंने सक्सेस किया है वहाँ इन एन एग्जीक्यूटिव पोजिशन, ऐसे ऊपर बैठ के ओनली एज ए डायरेक्टर नहीं, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो चीफ एग्जीक्यूटिव। सो मुझे लग रहा है कि वो बहुत सूटेबल हैं अभी टू बी ऑन एन ओवरऑल रोल एज ट्रस्ट चेयरमैन। ओके, थैंक यू सो मच नौशीर सर, आपने समय दिया जी बिजनेस को। टाटा ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, नोएल टाटा जो कि छोटे भाई हैं, सौतेले भाई हैं रतन टाटा के, उनको ट्रस्ट चेयरमैन के तौर पर चुना गया है, और उस पर बातचीत की नौशी मिर्ज़ा ने, जो पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं टाटा इंडस्ट्रीज़ के, उनसे हमने ये ख़ास बातचीत की है।